हाय दरन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं UMT में। वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन रियलिटी। और बात भी बिल्कुल सच है कि इंसान की सोच उसको ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि जब आप फालतू होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते हैं और आपके पास पढ़ने को कोई किताब नहीं होती, करने को कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो कहते हैं वो खाली दिमाग शैतान का घर। तो अपने दिमाग को कभी भी खाली ना रहने दीजिए, हमेशा किसी न किसी पॉजिटिव और अच्छी सी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, चाहे कि वो जिम है, चाहे कि वो आपकी मेंटल हेल्थ है, चाहे कि आपकी फिजिकल फिटनेस है। एनीथिंग दैट इज बेस्ट एंड दैट इज गुड फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल डिवेलपमेंट एंड ग्रूमिंग एंड फिटनेस। आज हम मौजूद है UMT में और यहाँ पर आपके बहुत सारे अमेजिंग और एम्बिशियस दोस्त हमारे साथ होंगे। उनके करियर्स के बारे में हम जरूर बात करेंगे और करना भी बनती है, ताकि हमारे वो दोस्त, हमारे वो नौजवान भी इंस्पायर हो सके जो इस कैमरे के थ्रू आज उनकी बातें सुनेंगे और वो अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें उनके साथ शेयर करेंगे। साथ में पूछेंगे फन से भरपूर सवाल, जैसा कि हम हमेशा से पूछते हैं, और नॉर्म भी है हमारी कि हम अपने हर दोस्त से कोई ना कोई फन से भरपूर बात करेंगे, चाहे कि वो जनरल नॉलेज बेस्ड बात है, क्वेश्चन है या फिर रिडल्स, और उनके सही जवाब देंगे हम आपके प्रोग्राम के आखिर में। तो प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सारे के सारे दोस्तों से मिल सकें और सही जवाब भी जान सकें। तो आइए बढ़ते हैं उस जगह पर जहाँ आपके दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहक साले। शहक साले, ब्यूटीफुल नेम शहक। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं जी। अच्छा, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान पंजगुर से, मकरान। बलूचिस्तान पंजगुर मकरान, डिवीजन मकरान है। डिवीजन मकरान है, क्योंकि बलूचिस्तान के मेन डिविजन्स, बड़े डिविजन्स बहुत बहुत सारे हैं। शामा मैं रिसेंटली कहीं देख रही थी, इस टाइम तो बिल्कुल मैं आपको नहीं बता सकती, वो कहते कि एक नाकिस याददाश्त के साथ तो आपको बात नहीं करनी चाहिए, बात करनी तो ऑथेंटिसिटी के साथ करें। वेल, मुझे मकरान के बारे में बताइए, ये कैसा डिविजन है? मकरान पर पहले हम बताए कि वहाँ के लोग ज्यादातर एजुकेटेड हैं, और मकरान के मकरान की बहुत एजुकेटेड, डेवलपमेंट भी है, डेवलपमेंट भी बहुत है। तकरीबन दो यूनिवर्सिटीज हैं मकरान, वो डिवीजन है जो कि बलूचिस्तान में, इसको दो यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत कॉलेजेस और दूसरे इंस्टीट्यूशन भी बने हुए हैं। और अगर हम देखें इस हवाले से, तो वो मकरान है जो पाकिस्तान के मतलब लिटरेसी रेट, तो वो 8वें नंबर पर आता है। लिटरेसी रेट में मकरान पाकिस्तान में 8वें नंबर पर आता है, और मे बी इससे आगे भी हो, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे उसकी तल बहुत ज्यादा होती है। बहुत। एक दूसरी बात यह है कि मकरान वो डिवीजन है जो मतलब अभी तुर्बत के एक शहर में एक किताब मेला हुआ था, तकरीबन एक दिन में की बात है, 70 लाख की किताबें बिक गई, ये पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया उन लोगों ने कि एक दिन में 70 लाख। अमेजिंग, ना सिर्फ की किताबें बिकी 70 लाख, ये कह रहे हैं कि किताबों के मेले में एक ही दिन में, ये बड़ी बात है कि लोगों का इतना, जैसे कहते हैं ना कि तालीम की भूख होनी चाहिए, तालीम की तलब होनी चाहिए, पेट की भूख तो आप मिटा ही लेते हैं, लेकिन जो तालीम की भूख है, जो दिमाग की भूख है, वो मिटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आपको सिखाती है जिंदगी में, आगे बढ़ाती है, अच्छा इंसान बनाती है। बहुत कुछ किया जा रहा है, जहाँ पर खवातीन की मोबिलिटी नहीं है तो वहाँ पे ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे बुक सेलर्स हैं, और ऑनलाइन लाइब्रेरीज बनाई गई हैं जिसमें खवातीन ऑनलाइन बुक्स मंगवाती हैं, महीना दो महीना जब भी स्टडी कर लिया, और फिर उस टाइम स्पैन के बाद वो उन किताबों को वापस भिजवा देती हैं, नई किताबें मंगवा लेती हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और वहाँ पर खवातीन की एजुकेशन के लिए भी किया जा रहा है। हम बात करें बलूचिस्तान की, अच्छा ऐसा क्या रीज़न है के बलूचिस्तान में अभी भी खवातीन को बाहर निकलना, काम करना, पढ़ना, इसमें दुश्वारी पेश आती है? माहौल है या खवातीन अभी भी किसी खौफ में है, कोई डर है, कोई सपोर्ट नहीं है, मसला क्या है? मसला ये है कि मतलब जो बलूचिस्तान, मतलब वो ट्रेडिशनली अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इंडीड, लेकिन अभी मतलब ये जो कल्चर बैरियर उनके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता कि मतलब आप एक बलूच लड़की हो, आप मतलब किस तरह लाहौर में जाकर अकेले वहाँ पे पढ़ते हो, ये मतलब कल्चर बैरियर। और रिलीजियस इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उनके लिए जो मतलब रिस्ट्रिक्शन बहुत हैं, आप ये कर सकते हो, ये कर नहीं सकते। शायक नाम है ना? मेरा नाम। बट रिलीजन तो हमें आज़ादी देता है पढ़ने की भी, मोबिलिटी की भी। बात यह है कि औरत बापर्दा होनी चाहिए, और वो जो अल्लाह ताला ने जो लिमिटेशंस दिए हैं, जो हमारे मज़हब ने जो लकीरें खींच दी हैं, अगर वो उन दायरे में रह के अपना काम करती हैं, निकलती हैं, चाहे कि वो नौकरी करें, चाहे कि वो पढ़ें, दे आर अलाउड। मैं खुद एक कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं
कल्चरल बाउंड्रीज हैं जो ये सब कुछ नहीं करने दे रही और घुटन का शिकार है माशरा। लेकिन दूसरी बात ये है कि वहाँ पे मतलब पॉवर्टी भी ज्यादा होता है, लोगों के पॉवर्टी भी ज्यादा होता है, पॉवर्टी भी है। मतलब एक लाहौर जैसे शहर को मतलब वो इतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इंडीड इंडीड देयर आर मेनी फैक्टर्स, होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ वहाँ भी तब्दीलियां आए, वहाँ भी इंप्रूवमेंट आए। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, बड़ा शायराना नाम है आपका, शायरी जरूर आती होगी। मुझे एक मेरा इंग्लिश एक क्वेश्चन मैंने लिखे हुए है, ओ सोइल बी चेंज इनटू द लेटर वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल इनटू द सोइल, बी चेंज इनटू द लेटर वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल इनटू द ओशन नेवर बी फाउंडेड, पॉर इनटू द ओशन नेवर बी फाउंडेड, नेवर बी फाउंडेड। ओह माय गॉड, दैट इज सो वास्ट, दैट इज सो वास्ट कि आपके दिमाग को ऐसे खोल के रह देते। ब्यूटिफुल, अमेजिंग। चलें अब आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो मिलेगा टेंपर, और इसी जवाब नहीं टेंपर नहीं मिलेगा। डन शाइक, यस। सो माय क्वेश्चन इज, एक शख्स कहता है कि उसके चाचा को कोई भी बात पूछो, सवाल पूछो, उन्हें जवाब आता है। कौन है उसके चाचा? सवाल करो। हाँ देखा ना सवाल, अच्छा गौर से सुना था पहले के नहीं सुना था, गौर से सुना था। एक शख्स कहता है कि उसके चाचा को कोई भी सवाल पूछो, उन्हें जवाब आता है। उसके चाचा कौन है? Well, no, chacha is not ChatGPT. One more chance. Very simple. Please surface पे रहिए, ऊपर ना जाइए। Very simple, very straight. Give me a straight answer. It's confused. सीधा जवाब क्या है? चाहे किसका सीधा जवाब जाए चाहिए। No, don't fly. Ground पे आ जाओ, अब जवाब दो। चाचा। चाचा? Would be चाचा। हम और आप मौजूद है इस वक्त UMT में, छोटा सा मोटा सा वक्फा है, मिलते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, हो हो मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है, हो। वेलकम बैक, हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग से दोस्त हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा था और वक्फे के बाद आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मियां मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद अमीर हमजा। हाफिज अरसलान रजा। इनकी आवाज़ आपको नहीं आई होगी लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जब इनसे बात करेंगे ना आपके दोस्त को करीब कर लेंगे। दाऊद क्या करते हैं आप? स्टडी। स्टडी में क्या कर रहे हैं आप? क्या स्टडी कर रहे हैं? यस कंप्यूटर। सीएस स्टडी कर रहे हैं। क्यों सीएससी क्यों? मुझे मतलब इसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है जी। गुड, वेरी नाइस। अच्छा क्या क्या शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं? किसकी? कंप्यूटर साइंसेज में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लोकल्स भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, ऐसे लोग भी करते हैं जो कंप्यूटर साइंसेज करने वाले या सीएसएस करने वाले नहीं कर रहे होते। किसी एक बहुत ही मशहूर किस्म की शॉर्ट फॉर्म के बारे में बता दें। URL किसका शॉर्ट फॉर्म है? URL वेबसाइट का। मतलब URL हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, सभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। URL शॉर्ट फॉर्म है इसका। Help you? Yes. Universal. Universal resource locator बोलते हैं। बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, सभी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। बस आपका क्या नाम है? मैं भूल गई। मोहम्मद अमीर हमजा। मोहम्मद अमीर हमजा। क्या करते हैं आप? CS. CS कर रहे हैं भाई, ब्रदर हैं, CSS कर रहे हैं भैया। क्या बात हुई, जो भाई होते हैं वो एक ही जैसी पढ़ाई थोड़ी कर रहे होते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है, तो हर किसी के अपने अपने एप्टीट्यूड्स होते हैं भाई। ये दोनों भाई हैं ऐसे, क्या मतलब जुड़वा तो नहीं है आप दोनों? आप इनसे बड़े हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए मुझे ये बताइए कि आपके क्या एम्बिशंस हैं जिंदगी में, क्या करना है? एक कामयाब शख्स बनना है। दिस इज द ब्यूटीफुल डेफिनेशन, अमेजिंग। कि पहले तो मैंने कामयाब और एक अच्छा इंसान बनना है। अदर देन दैट कोई तो ऐसा गोल होगा, कोई ऐसी
स्पेसिफिक चीज होगी जिसके बारे में सोच के रखा होगा कि अच्छा मैं जब अपना सीएस कर लूं तो मैं उसके बाद यहां बढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, कंपनी बनाऊंगा, मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा, कोई बिजनेस करूंगा, कहीं फर्म में जॉब करूंगा। सबसे पहले तो मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा कनाडा, क्योंकि मैं अभी भी अप्लाई कर रहा हूं साथ साथ। अभी हमारे बच्चे सब यही कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्री ही जाना है, बाहर जाना है, बाहर सेटल होना है। ठीक है कि एशियन कंट्रीज में बहुत रुझान रहा है, इंडिया की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए कि बाहर के मुल्कों में जाना है, बाहर जाके पढ़ना है, हमारे तालिबे इल्म अभी भी पाकिस्तान में पढ़ने को ना तो प्रेफरेंस देते हैं हायर एजुकेशन की अगर बात दी जाए, और ना ही इसको क्रेडिबल समझते हैं। आप समझते हैं कि चेंज आएगा आगे आने वाले वक्त में? अभी तो बाहर जा रहे हैं, उम्मीद है, लेकिन नहीं आएगा। उसने फौरन बोला कि नहीं आएगा। जो नौजवान नस्ल है इतनी डिसअपॉइंटिंग है कि वो बिल्कुल एक फ्लैट आंसर देती है कि नहीं आएगा। वेल अच्छा, आप जरा इधर आ जाए। आपका क्या नाम है? हाफिज अरसलान रजा। हाफिज अरसलान रजा। अरसलान आप क्या करते हैं? सीएस। सीएस कर रहे हैं। अच्छा, आप तीनों एक ही क्लास में, एक ही सेमेस्टर में? एक ही, मतलब इलाके के भी है। इलाके के? अच्छा, कहाँ से ताल्लुक है आपका? बहावलपुर। बहावलपुर से तीनों आए हैं। अमेजिंग। बहावलपुर के बारे में खूबसूरत सी बात बताइए, वहाँ पे कौन सा महल है नवाब का? और महल वेल नवाब सादिक का। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि नूर महल का रंग क्या है बाहर से? गोल्ड, वाइट है। वाइट है भाई, वाइट है, इंडीड है, आइवरी है, वाइट है। सो वेरी गुड, वेरी नाइस। ये भी एक अच्छी सी बात है, पता तो हो सर अपने शहर की खूबसूरत चीज़ों के बारे में। डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया है, चोलिस्तान है, बिल्कुल ऐसा है सम वॉट। हम लोगों से तकरीबन 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है वो जो किले है ना, वो शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर, 19 से 20 किलोमीटर के फासले पर ही ऐसा ही है। बहुत बागात भी हैं जो बाहर लगाए गए हैं खजूरों के और दूसरे फलों के भी। वेल मिचल्स के भी फार्म्स आपको मिलेंगे आसपास देखने में, और इसके अलावा वहाँ के लोकल जमींदारों के भी बहुत सारे फार्म्स है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, अमेजिंग प्लेस। चीज़ है वो ये है कि भारत इंडिया का जो बॉर्डर है वो साथ नहीं है, कहते हैं देखो प्यार मोहब्बत देखें ज़रा, मतलब लोग लड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत है भाई, वाकई है, कायम है। कि सबसे अमेजिंग बात ये बता रहे भावलपुर की कि बॉर्डर लगता है, और बॉर्डर कहाँ लगता है? इंडिया को लगता है। वेल ब्यूटीफुल, जाते रहते हैं ना तो बॉर्डर पे ऊपर उनसे बातें करते रहते हैं, वो प्यार मोहब्बत चेक करें ज़रा इनकी, हम बातें करते रहते हैं भाई। ये तो बात है, समझने वाले भी जानने वाले भी कि मोहब्बत है, प्यार तो है, क्योंकि ज़बान एक है, कल्चर एक है, और हमारे मुसलमान जो भाई हैं वो वहाँ भी हैं, बहुत सारे जो हैं हिंदू मज़ाहब से, सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, और पार्टीशन से पहले भी थे, सभी मिलके रहते थे। सम हाउ पूछेंगे बॉयज़ आपसे एक सवाल, लेकिन उससे पहले आप शेयर करेंगे कुछ भी अमेजिंग सा अपने दोस्तों से। गाना सुना दें, मैं पकड़ लेती। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, हो हो मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है, हो हो मेरे सारे रंग ओढ़ के, रंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के, हो हो इस गली करना नाप तोल के, आवाज खोल के आया हूँ मैं सबको छोड़ के, हो हो, हो, हो मैं ता चलिया तेरी ओर, तेरा चलिया है जोर तेरा, होया मैं यार वे भुले आए संसार वे। Awesome, amazing, amazing, amazing. Takes a lot of courage to sing in front of the camera, और वो भी अपने दोस्तों के साथ। सबसे ज़्यादा आपको खौफ आ रहा होता है अपने क्लास फेलो से ना, अपनी यूनिवर्सिटी के माहौल से, कॉलेज फेलो से, यूनिवर्सिटी फेलो से, ये भी क्लास में भिगाते रहते हैं। वेल सो पूछेंगे आपसे सवाल, सवाल को गौर से सुनना है ताकि आप लोगों को जवाब आ सके। सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए कि ओके चले आसान पूछूँ मुश्किल पूछूँ? आसान पूछने, मुश्किल आसान मुश्किल, चले मिला जुला पूछ लेते हैं, दो पूछ लेते हैं भाई, तीन लड़के हैं तो दो सवाल तो बनते ही हैं ना। मुझे पहले सवाल ये है, मुझे बताइए कि लाहौर के करीब कौन सा दरिया है? दरिया रावी। ओ बात तो सही है भाई, हम बहस नहीं कर सकते, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरा सवाल मुझे ये बताइए, गिफ्ट एम्पर तो आप जीत ही चुके हैं, कि पाकिस्तान के पाँच दरियाओं के नाम क्या है? दरिया रावी, सतलुज, सतलुज और सिंध, झेलम, झेलम, चनाब, चनाब,
हमारे साथ रहिएगा। किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की हंसी का सहारा बन गया हूँ, टूटने पर उनकी ख्वाहिश हो गई पूरी, टूटने पर उनकी ख्वाहिश हो गई पूरी, सच कहते हैं मैं सितारा बन गया। वेलकम बैक, हम मौजूद हैं UMT में और मिलवाने वाले हैं आपको आपके दोस्तों से, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? चौधरी तैयब सोहेल। चौधरी तैयब सोहेल, तैयब आपने बॉडी अपनी कैमरे की तरफ रखनी, ठीक हो गया? अच्छा मुझे बताइए आप क्या करते हैं? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ। आज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स भी मिल रहे हैं, आज हमें CS के स्टूडेंट्स भी मिल रहे हैं। सो लेट्स सी कि हमारे जो बच्चे हैं वो AI में क्यों उतना एप्टीट्यूड रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों AI ही क्यों? मैम जो नेक्स्ट हमारा फ्यूचर है वो AI है। फ्यूचर इज AI। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट मैम प्रोडक्ट तो किया होगा, करना चाहिए। जी मैम, मैंने जो सबसे पहले प्रोडक्ट किया वो मेरा सैनिटर। मैंने अपनी प्रोफाइल्स वगैरह भी चेंज कर ली हैं कि मेरा एक शौक है कि मैं एक सेनेटर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं आवाम की खिदमत करूँ, दूसरे सियासतदानों की तरह सिर्फ गिले नहीं ना बातें, मैं एक काम करना चाहता हूँ जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, आपको पता है ये चीज़ बड़ी मुश्किल है मैम? असल में उनके लिए मुश्किल है जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अनइजी इज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। तो जब आपके सर पे क्राउन होगा तो आप उतनी ही ज्यादा मुश्किल में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू नो कम विद द लॉट ऑफ ट्रबल। मैम असल में ना मुझे ये फेस करना आता है, मेरे दादा बू भी सियासतदान है, मेरे चाचा जान भी सियासतदान है, मेरी सारी फैमिली जो है ना वो सियासतदान और बिजनेसमैन। मैं अभी तक आप सिर्फ देख रहे हैं, देख रहा हूँ और उन्हीं से सीख रहा हूँ, ताकि मुझे बाहर से सीखना ना पड़े, बाहर के बाप से सीख लिया, अंकल से सीख लिया, ताकि बाहर से ना मुझे कुछ सीखना पड़े। पॉलिटिशियन या डिप्लोमैट? पॉलिटिशियन मेरा एक शौक है, मैं शौक के लिए करना चाहता हूँ और आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, दूसरे सियासतदानों की तरह नहीं। मैं सियासतदानों की तरह नहीं, नहीं मैं एक शौक है मेरा, मेरा जो शौक है मुझे मतलब अंदर से फीलिंग। दैट द ओनली वे कि आप अपनी आवाम का या लोगों का आप खिदमत उनकी कर सकते हैं या उनको सपोर्ट कर सकते हैं या बढ़ने में मदद कर सकते हैं, फ्लरिश होने में मदद कर सकते हैं। मैम आज का यंगस्टर कोई समझ सकता है? मैं अपनी आवाम को चाहूँगा कि एक जो न्यू आ रहा है दुनिया के अंदर, जो जो नई चीज़ें आ रही हैं, मैं अपनी आवाम तक कन्वे करूँ और जो मुझे ना सीखने को मिले मैं उनसे सीखूँ, ताकि मैं उनमें। अच्छा चलें, अब एक तो मैंने आपका एप्टीट्यूड पूछ लिया, दूसरे आपके एम्बिशंस भी मैंने पूछ लिए, आप जिस करियर को आगे ऑप्ट करना चाहते हैं, करियर है या आपका लाइफ है, आपका एम्बिशन है, सो दैट इज़ पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स और AI को मर्ज करके आप क्या समझते हैं कि क्या आप अमेजिंग कर सकते हैं जिसमें लोगों की भलाई भी हो और आप खुद भी फ्लरिश करें, आप खुद भी बढ़ें, आप अपने ड्रीम्स भी पूरे करें? मैम AI से मैं पैसा कमाऊंगा, AI से मैं पैसा कमाऊंगा और मैं पॉलिटिक्स पे लगाऊंगा और पॉलिटिक्स से मैं नहीं, AI से मैं पैसा कमाऊंगा और पॉलिटिक्स पे मैं लगाऊंगा, ताकि मैं खुद भी कुछ बन सकूं और आवाम के लिए भी कुछ करने। सेल्फ-मेड पॉलिटिशियन भी होते हैं, सो थम्स अप, अल्लाह करे कि आप इतना माशाल्लाह कमाएं, इतना बढ़े और इतनी आपकी जो स्ट्रगल है इतनी फ्रूटफुल भी हो, आपको इतना पे बैक करे। So tell me amazing things and inspiring सी प्यारी सी बातें about AI. मैम AI future क्या चेंज ला सकता है हमारी सोसाइटी में, हमारी डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में? मैम हेल्थ में तो आ चुकी है, जैसे आप अल्ट्रासाउंड मशीन चेक करती हैं वो भी AI है। आने वाले वक्त में आपको रोबोट मिलेंगे, आपको इंसानों की जहाँ जहाँ पे इंसान, अब हमने कहीं कहीं खबरें सुनी है कि फलानी जगह पे रोबोट ने ऐसा किया और मतलब कुछ किसी की पिटाई लगा दी और कुछ कर दिया या कुछ उल्टा सीधा कर दिया, सो व्हाट इज दैट? अगर रोबोट्स कंट्रोल ले लेते हैं, ह्यूमन कंट्रोल ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा? मैम ये पॉसिबल है, हो जाना है, ये हो जाएगा ये हो जाए। आप क्या करेंगे? तो हम इंसानों को कंट्रोल करने के लिए बैठे ना, रोबोट्स को कंट्रोल, ताकि वो गलत एक्टिविटी ना करें, इंसानों को मारे ना, इंसानों को फायदा पहुंचाएं। जहाँ पे आपने देखा चाइना के अंदर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, जहाँ पे रोबोट वेटर्स का काम कर रहे हैं, और ये एक तरह से एक ये भी मसला है कि बात कब से कर रहे हैं और ये काफी देर से कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये हो जाना है। और इसमें ना हमारे जो हम इंसान हैं हमारी नौकरियाँ कम हो रही हैं, इससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, एक मसला भी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इससे हम चाह रहे हैं कि बेरोजगारी भी ना, कल को पॉलिटिशियन भी AI पॉलिटिशियंस आ गए, फिर आप क्या करेंगे? मैम AI पॉलिटिशियन आ गए तो दुनिया बदल देंगे, पाकिस्तान का नक्शा बदल जाना है मैम, पाकिस्तान का सीरियसली नक्शा। वो तो वही करेंगे ना जो प्रोग्राम आप उसमें फीड करेंगे। नो मैम, नो वो ब्रेन वॉश करेंगे वहाँ पे जो बैठे, मान लेते हैं अगर आप कहते हैं कि वो ब्रेन वॉश करेंगे, लेट्स सी।
कि होता क्या है, क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा, शेर, गाना, एनीथिंग, कोई कुछ भी इंटरेस्टिंग सा? मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा। शेर पेश कीजिए। किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की हंसी का सहारा बन गया हूँ, टूटने पर उनकी ख्वाहिश हो गई पूरी, टूटने पर उनकी ख्वाहिश हो गई पूरी, सच कहते हैं मैं सितारा बन गया। सच कहते हैं मैं सितारा बन गया। अमेजिंग, सितारे भी ऐसे ही है, चमकते हैं, दबकते हैं। अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी भी इसी तरह से चमके दमके और आपकी रोशनी से आपके बाकी दोस्त आस पास के लोग हैं वो भी मुनावर हो। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सो माई क्वेश्चन इज, तैयब, एक शख्स कहता है कि उसके चचा से जो भी पूछो उसे हर जवाब आता है। उसके चचा कौन है? चचा इफ्तिखार। नहीं नहीं, और इट्स अ स्ट्रेट आंसर, बिल्कुल सीधा सादा जवाब, सीधा सादा जवाब। बाप का भाई। सीधा सादा जवाब चाहिए। हम आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारा अब वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आपके बहुत ही अमेजिंग दोस्तों से, हमारे साथ रहिएगा। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा। वेलकम बैक, हमारा मौजूद है यूएमटी में और बहुत ही अमेजिंग खूबसूरत सा दिन निकला हुआ, ठंड भी बहुत है लेकिन सूरज की रोशनी भी है, दोनों ही चीज़ें जो हम इन्जॉय कर रहे हैं। और हम हमेशा भागते हैं गर्मी से लेकिन हर मौसम जो है वो मज़ेदार होता है और उसको इन्जॉय करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी को भी कोई इन्जॉय नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा सर्दी को भी कोई इन्जॉय नहीं कर सकता। सम हाउ एक्सट्रीम्स कभी भी अच्छी नहीं होती, इंसान को अपने मिजाज में भी कभी एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। शिद्दत पसंदी से इज्तनाब कीजिए, चाहे वो जिस भी तरह की क्यों ना हो। वेल, आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ बातें करेंगे और जल्दी से बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं उनके पास। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महनूर। मेरा नाम है महनूर। मेरा नाम है, वो क्या गाना था, मेरा नाम याद रखना। आगे आ जाइए महनूर, पूरा नाम बताइए। सैयदा महनूर अली हैदर जैदी। सैयदा महनूर अली हैदर जैदी, क्या करती हैं आप? मैं, जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी में। जाहिर सी बात नहीं है, यू टेल मी, आप जो कहेंगी मैं उसी पर ही यकीन करूंगी। मैं क्या करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही क्यों? क्यों, क्योंकि पैसे वाली फील्ड है, पैसा है इसमें। वेरी नाइस, बिल्कुल सही, स्ट्रेट जवाब, सीधा जवाब भाई, पैसे वाली फील्ड है, वही करेंगे जिसमें पैसा मिलेगा। और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा नहीं मिलता? जिसमें पैसे नहीं मिलता, सब कुछ, सब बाकी सब कुछ, पैसा नहीं मिलता। सही, सीधी सी बात है, और क्या है। नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे और दूसरे फील्ड में लेकिन वो पैसा बना रहे हैं। मेहनत सक्सेस की क्या है रेसिपी, इसका फॉर्मूला क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी, जो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा कंसिस्टेंट है उसकी ज़्यादा है अर्निंग, जो नहीं है उसकी नहीं है। मैनी पीपल जो कंसिस्टेंट है लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं जिंदगी में। वेल, देयर इज अ बिग फैक्टर ऑफ लक, आपकी लक डिपेंड करती है। अगर आपकी, इफ यू आर लकी यू विल गेट द फूड, लकी विल गेट द फूड, और जो लकी नहीं है ही विल नॉट और शी विल नॉट गेट द फूड। दैट्स इट, यू शुड बी पर्सिस्टेंट, यू शुड कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग एंड अगेन। यस अगेन, यू शुड बी पर्सिस्टेंट एंड यू शुड कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, डेडिकेशन भी होती है। कहीं कहीं हम जाके कह देते हैं भाई लक बस नहीं चल सकी है। क्या करती हैं अदर देन योर स्टडीज? और वो होते हैं, क्या करती हैं अदर देन योर स्टडीज? क्या करती हूँ मैं? सोती हूँ। कैसे बनेंगी फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर? बस ये डिग्री लेके फिर बनूंगी। डिग्री लेके बनेंगी। चले, क्या हॉबीज हैं आपकी? क्या हॉबीज हैं? कुकिंग है, स्लीपिंग है, दैट्स इट। अच्छा, कुकिंग में क्या करती हैं आप? शौक से क्या बनाती हैं? एवरीथिंग, पाई छोड़ के, सब कुछ, पाई छोड़ के सब कुछ। सबसे ज्यादा मजेदार क्या बनाती है? फैमिली को क्या बना के खिलाती हैं? क्या बना के खिलाती हूँ मैं? यू नो, देसी साउथ एशियन डिशेस जो। अगेन आई वुड से आई डोंट नो, यू विल टेल मी, आई डोंट नो। ओके, बिरयानी एंड स्टफ लाइक दिस, लाइक ये तहरी। शेयर कह रहे हैं बिरयानी की क्या रेसिपी है? क्या रेसिपी है? हाउ डू यू मेक बिरयानी? वो मेरी मैजिक रेसिपी है, मैं क्यों बताऊं? यू हैव टू टेल, देयर इज नो मैजिक ओवर हियर, यू हैव टू शेयर। ओके, टेक द चिकन, वॉश इट, टेक सम वेजिटेबल्स, टोमेटोज, अनियन एंड स्टफ। ओके,
chop them and put them in the pot, fry them, add your chicken fry, add your spices, and then add the boiled rice. That's it. Wow. Good. क्या सोच के रखा जिंदगी में क्या करना है? क्या करना है अभी तो फिर इंजीनियर बनने के बाद नेक्स्ट शादी कर ले शादी भी कर लेंगे चले भाई ओके गुड फाइन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू लेट्स सी आपको हमारा सवाल का जवाब आता है नहीं सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर अगर सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा सो डील डन डन वेल सैयदा माय क्वेश्चन इज चार लफ्जों का मेरा नाम भाई पढ़ाइयाँ और आसान सवाल कैसे हो सकता है भाई नहीं 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 मुश्किल पढ़ाइयाँ तो मुश्किल सवाल अच्छा नहीं सवाल आसान होगा वेल आपको जानना होगा कि जवाब क्या है अब ये तो आप पर है कि आप जवाब ढूंढ पाती हैं या नहीं चार लफ्जों का मेरा नाम सर को ढकना मेरा काम That's it. चार लफ्जों का मेरा नाम सर को ढकना मेरा काम चार लफ्ज आप लेटर बोल रही हैं ना चादर लफ्ज किसको बोल चादर मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है नहीं चार अल्फाबेट्स और लाइक वर्ड्स हमने इंग्लिश में किया था लेकिन अगर उर्दू में देखा जाए तो चादर इज द एक्यूरेट आंसर छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी थैंक यू क्या नाम है आपका दानियाल हैदर दानियाल हैदर आप क्या करते हैं मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे लंबे क्यों हैं आप बस नहीं वो मुझे यहाँ खड़ा होना पड़े नहीं नाम ओके मैं वैसे पूछ रहे हैं पीढ़ी है नहीं नहीं ओके फाइन टेल मी दानियाल व्हाट डू यू डू आई एम अ स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों क्योंकि अपकमिंग स्कोप बहुत ज्यादा है यहाँ पे जितनी रिसर्च हुई है पाकिस्तान में काफी अच्छा है दुनिया में ही है पूरी दुनिया में पाकिस्तान में इसका स्कोप आ रहा है पाकिस्तान अच्छा पाकिस्तान की तो बात हम बाद में करते हैं मुझे ये बताइए कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में क्या क्या तब्दीलियाँ लाई तब्दीलियाँ क्या लाई हैं जो काम मैनुअल हो रहे थे वो अब ऑटोमेटिक होने शुरू हो गए सिंपल वेरी सिंपल डेफिनेशन के जो मैनुअल होता था वो अब सबका सब जो है वो मशीनें उनकी जगह ले चुकी हुई हैं सिस्टम्स उनकी जगह ले चुके हुए हैं अच्छा तो पाकिस्तान में आपने क्या देखा क्या चेंज आया है सॉफ्टवेयर हाउसेस काफी आ गए हैं जॉब्स इसके लिए अवेलेबल हैं और तरक्की करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग तो फिर इसलिए मैंने चूज किया है आपको नहीं लगता कि सब कुछ खास सूबे हैं या दो ही सूबे हैं कि जिनमें आपको डेवलपमेंट नजर आती है लेकिन दो सूबे ऐसे हैं जो इग्नोर हो जाते हैं काफी हद तक बात ठीक है पंजाब में काफी ज्यादा है ये डेवलपमेंट सिंध में भी डेवलपमेंट है जी बट बलोचिस्तान वगैरह ये जरा नहीं उनको इतना प्रेफर कर रहे जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे गवर्नमेंट काम करेगी प्रेफर करेंगे हम हमारी नौजवान नस्ल क्या समझती है हमारी नौजवान नस्ल माशाल्लाह बहुत बाशऊर भी है बहुत वोकल भी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है जिसे कहते हैं ना कि रेलेवेंट भी है जो चीज़ें हालात हाजरा से हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आप लोग क्या चेंज लेकर आएंगे पाकिस्तान में क्या चेंज लेके आएंगे पॉलिटिक्स की बेस पे तो मैंने इतना फोर्स करूंगा बट राउत मुझे डेवलपमेंट के हवाले से बताइए आपकी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप मुझे उसी हवाले से बताइए मैं ये जो आपके दिमाग में क्या आया मेरा सवाल सुनने के बाद ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं इसमें मैं तब्दीली लाना चाहूँगा ये जो स्मॉग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है ये ट्रैफिक वगैरह ये कम करने की कोशिश करेंगे थ्रू ऑटोमेटिक सिग्नल्स हमें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ चुकी हुई हैं हम अभी फ्यूल पे चलाए जा रहे हैं तो यही चीज़ पाकिस्तान में लाने की कोशिश करेंगे कि ऑटोमेटिक कार्स वगैरह ये बाइक्स वगैरह जिनकी पेट्रोल की जिसकी मोनोपोली है पूरी दुनिया पे वो कंपनियाँ फिर क्या करेंगी मतलब इतने बड़े बड़े टाइकॉन्स को इतने बड़े बड़े जाइंट्स को आप कैसे हैंडल करेंगे देखिए एक अचानक से तो हम नहीं ना उनको ला सकते बट ऐसा ऐसा करेंगे या इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा दाऊद एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा दानियाल तो दानियाल है दाऊद है और मतलब माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे और भी बच्चे आए हैं तो दिमाग के सारे के सारे बच्चे जो यूं नाम चल रहे हैं अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे दिमाग को और क्या क्वेश्चन की आदाश को तंदुरुस्ती नहीं मिल रही है तुझ संग बैर लगाया ऐसा तुझ संग बैर लगाया ऐसा
रहा ना फिर मैं अपने जैसा, ओ रहा ना फिर मैं अपने जैसा। Wow! This is amazing. Awesome, awesome, awesome. Very nice. Okay, Daniel, I have a question for you. गौर से सुनना ताकि मेरे सवाल का जवाब आपको आ सके. So, my question is, मुझे ये बताइए कि चार लफ्जों का मेरा नाम, सर को ढांपना मेरा काम, तुम्हें है चाहे इंग्लिश में है, जैसे भी समझ आ रहा है बता दें. चादर. चादर भी है, मतलब एग्जैक्टली दो और अल्फाज भी हैं, लेकिन आपने भी सही जवाब दिया. हम और आपकी जाने के छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच. हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे सारे के सारे फन से वो भरपूर सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे, क्योंकि उनके जवाब बताना ज़रूरी है. और आप भी बड़ा इंपेशेंट होकर इंतजार कर रहे होंगे. खैर, हमने कहा था कि पेशेंस के साथ चलिए, सबक के साथ चलिए. और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारे प्रोग्राम को भी देखा और सारे दोस्तों की बातों को भी इंजॉय किया. और आप इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो सारे के सारे सही जवाब हमें जल्दी से बता डालिए. तो वो जवाब क्या है, गौर से सुनते जाइए. सवाल जो हमने किया था कि एक शख्स कहता है कि उसके चाचा को हर सवाल का जवाब आता है. भाई उसके चाचा हैं कौन? सीधी सी बात है, उसके चाचा उसके अब्बा के भाई हैं. और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये कि चार लफ्जों पे मेरा नाम, सर को ढांपना मेरा काम. अब ये टोपी भी है और ये चादर भी है. जिसने भी ऐसे जवाब दिए बिल्कुल सही जवाब दिए. एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सी आवाज़ है जो सिर्फ आप नहीं सुन सकते लेकिन आपके सिवा वो सब सुन सकते हैं. वो आवाज़ है आपके हालात. एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि लाहौर किस दरिया के करीब है. तो लाहौर रावी के करीब है. उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय भी किया और आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होगा. जैसे कि हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे कि हमें पहले से कुछ पता ही क्यों ना हो. अच्छा है कि हमारी जो याददाश्त है वही ताज़ा हो जाती है. खैर, वो सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, प्राइमरली ट्विटर एंड यूट्यूब, जहाँ पर आप कॉमेंट सेक्शन में जाइए, हमसे बात कीजिए और ज़रूर हमें बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा. और आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में. बस बेल सर्च बार में टाइप ज़रूर कीजिएगा सिर्फ 42 हम और आप. आपसे बहुत सारी दुआएं और बहुत सारे प्यार के साथ इस वक्त हम कहेंगे अलविदा. तो अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.